एक और जहां सूबे की सरकार महिलाओं को सुरक्षा एवं उनकी सहायता के लिए मिशन शक्ति को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं मेरठ से एक मामला सामने आया है जहां एक महिला ने आरोप लगाया है उसके पड़ोस के रहने वाले 3 युवकों ने उसके साथ गन पॉइंट पर रखकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। जी हां, पूरा मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के सामने आया है जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि 4 दिन पूर्व उसके पड़ोस में रहने वाले सरताज नाम के युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गन पॉइंट पर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी की माने तो पीड़ित महिला पिछले कुछ समय से पड़ोस के ही रहने वाले आरोपी युवक के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके चलते युवक ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार अवैध संबंध बनाए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, कल शाम एक मामला आया कि एक महिला ने आरोप लगाया कि एक सरताज नाम का व्यक्ति, जो कि उसको करीब पिछले 6-7 महीनों से जानता है और उसके साथ शादी का झांसा देकर के संबंध बनाता रहा है। इस मामले के संज्ञान में आते ही हमारी पुलिस ने उससे एप्लीकेशन देने के लिए कहा, जिसमें उसने आरोप लगाया कि मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था और शादी का झांसा दे करके, जब उसने शादी के लिए कहा तो मना करने लगा। उस तहरीर पर उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो पुलिस को तहरीर मिली है उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ ये बात है कि उसने ये बात अपने भाभी को बताई और उसके भाई ने जो आरोपी है उसके यहाँ जा कर के पूछताछ किया तो उसमें उसने मारने की धमकी वगैरह दिया था। जो बात आई है प्रकाश में, उससे भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अरेस्टिंग हो गई, अरेस्टिंग हो चुकी है।